हेलो एवरीवन। और आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। और मक्के की रोटी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। मक्के की, बाजरे की, ये जो मोटा अनाज होता है ना, इसकी सर्दियों में रोटी बहुत फ़ायदे भी करती हैं और अच्छी भी लगती है। लेकिन बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है और हर कोई नहीं बना पाता। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका डो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको एकदम सारा पानी डाल के गेहूं के आटे की तरह गूंथना नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। गर्म पानी की मदद से आप इसका डो तैयार करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर डो अच्छी तरह तैयार होगा तभी रोटी अच्छी बनेंगी। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस साल काफ़ी हमें कहा कि हम मोटा अनाज यूज़ करें। मोटे अनाज के लिए उन्होंने काफ़ी हम लोगों को प्रोत्साहित किया है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो बस हमारे यहाँ सर्दियों में अक्सर बनती रहती हैं। अक्सर मम्मी बनाती थी लेकिन अब मैंने सीख लिया है बनाना। ये मेरे लिए चैलेंज से कम नहीं था। मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। लेकिन कोई भी काम हो, अगर आप उसी में पेशेंस रखते हैं और उसे लगातार करते रहते हैं तो वो आपको आ जाता है। ये सिर्फ रोटी की बात नहीं है, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई भी आपके स्किल हो, अगर आपको सीखने हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ी लगन से उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। मैंने इसमें लगाया थोड़ा घी, थोड़ा सा घी मैंने अपने हाथ पे और इधर इस आटे में लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब ये चिपकेगा नहीं और आप इसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इस तरह से आप बेल लें। और जब ये थोड़ी सी बढ़ जाए फिर इसको हाथ से इस तरह से धीरे धीरे दबाएं, मतलब इस तरह से करें। और जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जैसे टूटने वाली है वहीं आप इसको थोड़ा सा सही कर दें। और इस तरह से जब तवा गर्म हो जाए तो उस गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके और इसे डाल दें। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हम गए थे पचमढ़ी कुछ मंथ पहले, तो वहाँ पे हमने खाया था मक्के की रोटी और चटनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चटनी भी बनाऊँगी, वो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। हम एक जैसा खाना खा खा के ऊब जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है यार कुछ नया होना चाहिए। तो बस ये चेंज, और कुछ हेल्दी भी होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं मक्के की रोटी कभी कुछ बनाती रहती हूँ। और इसको आज तो हमने बनाया है मेथी पालक बथुए का साग, और उसके साथ हम इसे खाएंगे। लेकिन आप इसको चटनी के साथ भी खाइए, जो सर्दियों में हम अक्सर बनाते हैं उस चटनी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और इसी तरह मैं अपनी सारी रोटी बना लूँगी। इन्हें बनाना बिल्कुल टफ नहीं है, बस अगर आप एक बार बना लोगे तो फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे भी एक बार में नहीं आया था, मैंने दो तीन बार ट्राई किया था उसके बाद मुझे आ गया था। स्टार्टिंग में आप गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा मिला लें। मैंने इसमें रखा है 10% का रेशियो गेहूं के आटे का। जैसे 100% आप ले रहे हैं ये मक्के का आटा, तो आप 10% ले लीजिए गेहूं का आटा। उससे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। और अगर ये फूल जाए आपकी तो ये बहुत अच्छी, इन्हें टाइम लगता है सेकने में भी। धीरे धीरे आप इन्हें सेकिए, नहीं तो अदरवाइज ये कच्ची रह जाएंगी। और इसको घी के साथ खाइए। अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो अच्छी तरह घी खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड इसके साथ काफ़ी सारा घी लेते हैं और सब्जी लेते हैं और गुड़ लेते हैं, अच्छा लगता है बहुत। तो मैं उनकी प्लेट अब तैयार कर रही हूँ और ये हमारी बन के तैयार हो गई हैं। हम इन्हें खा के इंजॉय करते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, टेक केयर।